तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हाँ मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले इस ट्रेलर को लेके मैं अपना ओपिनियन आगे बताऊँ तो ये ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया है। और जैसा कि इसका नाम है राइज ऑफ द बीस्ट, इसमें हमें एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले मैक्सिमल्स को दिखाया गया है। तो बेसिकली साइबरट्रॉन यानी ऑटोपॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का घर, वहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं जैसा कि आप ट्रेलर में देख ही सकते हो। और ऑटोपॉट्स मैक्सिमल्स के ही पूर्वज हैं, क्योंकि मैक्सिमल्स उनके अपग्रेड वर्जन है, इसीलिए उनका लुक भी अलग है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनका बीस्ट मोड यानी मैक्सिमल अपने आप को कार्स के बजाय किसी भी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ मैक्सिमल्स अच्छी साइड में ऑटोपॉट्स के साथ हैं। और इसी के साथ डिसेप्टिकॉन्स के भी अपग्रेड वर्जन है पेडाकॉन्स। इनका ओरिजिन भी कुछ कुछ मैक्सिमल्स की तरह ही है। तो अब बात करते हैं ट्रेलर में दिखने वाले ऑटोबॉट्स के बारे में, जिनका डिजाइन नए दिख रहे हैं। तो हम ऑप्टिमस और बम्बलबी को तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए कैरेक्टर्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेलर के शुरुआत में दिखने वाले इस कैरेक्टर का नाम है मिराज। तो बेसिकली ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मर्स के G1 यानी जनरेशन 1 के कार्टून सीरीज में से ली गई है, और ये कैरेक्टर ऑटोबॉट्स के साइड रहता है। और इसके बाद आपने ट्रेलर में एक फीमेल ऑटोबॉट को तो देखा ही होगा, तो इस कैरेक्टर का नाम है RC। जिन्होंने भी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम वाली सीरीज देखी है तो उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा। इस कैरेक्टर को पुराने ट्रांसफॉर्मर्स के मूवीज में नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में दिखाया जाएगा। और अब आते हैं इस ट्रेलर के हाईलाइट कैरेक्टर पर, जो है किंग कॉन्ग। इसका नाम बेसिकली ऑप्टिमस प्राइमल है। ये कैरेक्टर अपने उसूलों वाला है, लेकिन ये ऑप्टिमस जैसा तो नहीं है। यानी ऑप्टिमस जैसे अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये ऑप्टिमस प्राइमल अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके अलावा ऑप्टिमस प्राइमल एक अच्छा लीडर है, जस्ट लाइक ऑप्टिमस प्राइम। और इसके बाद आपने ट्रेलर में और भी कुछ मैक्सिमल्स को देखा होगा, जैसे कि चीता, तो इसका नाम भी चीतौर है। और जो चील हम इस ट्रेलर में देखते हैं उसका नाम है एयर रेजर। और इसके बाद ये येलो ट्रक जो मिसाइल फायर कर रहा है, ये डिसेप्टिकॉन है, जिसका नाम है बैटल ट्रैप, जो बहुत ही ब्रूटल डिसेप्टिकॉन्स में से एक है। यानी ये अपने दुश्मन को मारने से पहले उसे तड़पाना ज्यादा पसंद करता है। और ट्रेलर के आगे हमें एक राइनो देखने को मिलता है, जिसका नाम है राइनॉक्स, और ये एक मैक्सिमल है। और इसके बाद आता है मूवी का मेन विलेन स्कर्ज, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ओरिजिन किसी कहानी में उतना कुछ खास तरीके से बताया नहीं गया है, लेकिन इस मूवी में स्कर्ज मेन विलेन होने वाला है। और इसी के साथ एंड में हमें एक वॉर का सीन देखने को मिलता है, जिसमें आई होप हमें और भी कुछ मैक्सिमल्स और प्रेडिकॉन्स देखने को मिल जाए। तो अगर आपको मैक्सिमल्स और प्रेडिकॉन्स के बारे में और भी कुछ जानना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर सीरीज देख लो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट को लेकर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही मूवी रिलेटेड कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।